Thank you.
लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं 3D रोपटाइल डिज़ाइन। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये ब्लैक पीस हमने कैसे कटिंग किया है और इसका साइज़ क्या होना चाहिए, या आप इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो आपका साइज़ डिज़ाइन का उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो आइए हम आपको इसके बारे में फुल डिटेल में बताएंगे ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। जैसे कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं ब्लैक पीस जो हमने कटिंग किया है, और इसको हमने 7 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर कटिंग किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी हमने इसको कटिंग किया है, इसकी जो चौड़ाई है वो 7 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से इस डिज़ाइन को हमने कितना इजीली बनाया है। तो इसके दोनों जो कॉर्नर हैं उन पर हमने मार्किंग करनी है। आगे साइड से हमने 7 सेंटीमीटर पर निशान लगाना है, जैसे कि आगे आप देख रहे हो, और जो बैक साइड है यहाँ पर भी। तो दोनों साइड पर हमने सेम मार्किंग की है और इसकी कटिंग करेंगे, जैसे कि हम आपको करके दिखा रहे हैं। ऐसे ही इस डिज़ाइन की हमने कटिंग की है, तो आप इसको अपने फेवरेट कलर में ईजिली बना सकते हो। जैसे कि अभी हमने इसकी कटिंग की है दोनों साइड से इस तरीके से यहाँ पर भी। तो ये जो शेप हमने बनाई है डिज़ाइन की है, सेम बनी है इसी तरीके से। और इसको हमने जो ये कटिंग की है ये भी हमने इसी में इस्तेमाल करनी है, यानी इसको आगे और बैक साइड पर हमने इसको यूज़ करना है इस तरीके से, जैसे हम आपको करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे यूज़ करना है, तो इस तरीके से जो है आपने इसकी कटिंग करनी है और इसको यूज़ करना है। उसके बाद हमने वाइट पीसेस कटिंग करने हैं, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी आपने सेम इसी तरीके से कटिंग करना है जैसे कि हम आपको बताएंगे। तो अभी हम आपको इसकी कटिंग करके दिखाएंगे ये हमने कैसे कटिंग किया है। तो हमने जो है सबसे पहले क्या करना है, एक टाइल्स जो है वाइट कलर की है उसमें इसको हमने 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर कटिंग करना है, और उसके बाद इसको सेंटर से हाफ़ करना है। तो जैसे कि अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं, इसको हमने कटिंग किया है 10 सेंटीमीटर, और इसकी कटिंग करेंगे सेम इसी तरीके से 10 सेंटीमीटर। तो अभी हमने जैसे कि आपको दिखाया है सेम ये साइज़ है, और इसको सेंटर से हाफ़ करना है अभी यहाँ पर इस तरीके से। इसको हमने सेंटर से हाफ़ करना है, और ये पीसेस हमने यूज़ करना है जैसे कि नीचे डिज़ाइन में हमने करके दिखाया है आपको, इसी तरीके से ये भी यूज़ करना है। तो यहाँ पर ये हमारा जो डिज़ाइन है इस तरीके से स्टार्ट होता है, ये यहाँ पर इसी साइज़ के जो हमने पीस हैं इसको भी एक बार फिर सेंटर से हाफ़ किया है, जैसे कि यहाँ पर है, इसको भी हमने सेंटर से हाफ़ करना है और बार, और फिर इसको यूज़ करना है। तो ये इस तरीके से यूज़ करेंगे हम, यहाँ से आपका स्टार्ट जो है वो डिज़ाइन होता है, ये यहाँ पर स्टार्ट होता है, और जो सेंटर का पीस है ये यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर लेना है। तो आप इसको आसानी से बना सकते हो किसी भी अपने फेवरेट कलर में, डबल कलर में आप इसको बना सकते हो, जैसे कि हमने आपको वाइट और ब्लैक में बना के दिखाया है। और ये जो सेंटर का पीस है इसको हमने कटिंग करना है 16 सेंटीमीटर × 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अभी हम इसकी कटिंग करेंगे, 7 सेंटीमीटर इसको हमने कटिंग किया है, और जिसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर वो भी हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे, और इसको जो है हमने यूज़ करना है सेंटर में। तो यहाँ पर अभी हमने 16 सेंटीमीटर पर मार्किंग की है, और इसकी कटिंग करनी है यहाँ पर इस तरीके से, और इसको यहाँ पर इस तरीके ईज़िली यूज़ कर लेना है। तो ये सेम कटिंग हुई है जैसे कि हमने आपको करके दिखाया है, तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से यूज़ कर लेना है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, तो ये अभी हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो अभी हम इसको जो है इसी तरीके से आगे बनाते जाएंगे, आपने सेम कटिंग करते जाना है, जैसे कि हमने आपको ब्लैक टाइल्स की कटिंग करके दिखाई है इसी तरीके से। सेम आपने सभी पीसेस की बराबर बराबर कटिंग करनी है,
तो इसी तरीके से आप अपने डिज़ाइन बॉर्डर में आप इसको डोरमेट में यूज़ कर सकते हो। और जैसे कि हम आपको करके दिखा रहे हैं, आप इसको साइज़ में छोटा या बड़ा भी बना सकते हो अपने एरिया के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहेंगे और नई नई वीडियो में आपको नए नए डिज़ाइन दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों इसी तरह आप इस डिज़ाइन को मार्बल या ग्रेनाइट या वॉल टाइल्स पे, जैसे कि हमने आपको यूज़ करके दिखाया है, आप इसको फ्लोर में या वॉल पे भी यूज़ कर सकते हो। और आप इसको जैसे कि हम आपको बता रहे हैं ग्रेनाइट में या मार्बल पे भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन।